Anyway, coming back to our FJ70 RKR. आपने इसका इंजन देखा था, पेंट हो गया है. द येलो ब्लॉक लुक्स नाइस. बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ये चीकी लगेगा, लेकिन नहीं एक्चुअली, क्योंकि जब इसके ऊपर सारी कंज्यूमर एक्सेसरीज आ जाती हैं, ऊपर से इंजन मैंडेटरी फिटमेंट्स आ जाती हैं, तो ब्लॉक पूरी तरह हिडन हो जाता है एस्थेटिकली. एक तो वो क्योंकि इतना इतना स्ट्रॉन्ग कलर है येलो के इट पॉप्स आउट इवन फ्रॉम द स्मॉल स्पेसेस, तब वो अच्छा लग रहा होता है. और टेक्निकली इट्स रियली हेल्पफुल, बहुत अच्छा होता है, बहुत मदद होती है. अगर कोई ऑयल लीक हो, कोई इस तरह की और चीज़ हो, तो वो फौरी आइडेंटिफाई हो जाती है. हमारे बैटरी ब्रैकेट्स इसके इन प्लेस आ गए हैं, हमारी फाइनल फिटमेंट कंप्लीट हो गई है. श्राउड इसका बाद में क्लाइंट अगर चाहेंगे तो वो स्ट्रीम आउट करवा सकते हैं. फॉर नाउ हमने इसका, क्योंकि हम इसका बॉडी वर्क नहीं कर रहे गाड़ी का, बट हमने इसका अपना जो प्रीवियस श्राउड था फैन श्राउड, वो हमने फैब्रिकेट करके 1HD के फैन के ऊपर कर दिया है. वी आर रनिंग एन ओरिजिनल 1HD फैन ताकि कूलिंग इटसेल्फ, फ्लूइड कैपेसिटी, कोई भी चीज़ इम्पैक्टेड. ये जो रेडिएटर कैपेसिटी है, दिस इज ऑल्सो मैच्ड विद द 1HD कैपेसिटी. अब ये टैपेट कवर रह गया पेंट को, ये हम बाद में खोल के इसको कर देंगे. और साथ साथ आ गए हैं इसकी वायरिंग पे. क्या सीन है साहब, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वन एच डी वाले की कॉन्सोल भी सेट हो गया ना तेरा, ये 1HD वाला अपना ही कॉन्सोल आ गया, ब्रेक पैडल. अब ये मीटर है बेसिकली 1HD का, और अपना वाला क्या है इसका, RKR वाला देख रहा हूँ. ये साइजेस में असल में डिफरेंट है. ये वाला है RKR का अपना वाला मीटर. प्रॉब्लम और कोई नहीं, इसको भी चला सकते थे, लेकिन पलट बताओ जय क्यों प्रिंट पूरा जला हुआ है. ये बहुत मीटर की कंडीशन सही नहीं है इसकी, जगह जगह से इसका प्रिंट जो है ना देख रहा है. RKR का अपना प्रिंट सर्किट जो है वो बेसिकली जला हुआ है, इसलिए ये है प्रॉब्लम. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टर करके इसका 1HD वाला मीटर पूरा का पूरा ही कर दें फिट, वरना इनिशियली हम सिर्फ कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए इसकी मोटर्स निकालते हैं, उस वाले मीटर में फिट करते थे RKR वाले में. लेकिन अब हम गेम चेंज हो गया, तो अब देखते हैं. वरना अगर ये अच्छी फिटमेंट नहीं आई तो फिर देखते हैं. बैक टू एक्शन, हम अपनी 1HD थी RKR के डिस्कशन पे थे. तो अब हम पहुंच के देखें दोबारा कि क्या डिस्कशन बनी. ऑर्नामेंट डिस्प्ले भी पूरा मिल रहा है, मिल रहा है मगर गेज जो है ना ये वाला थोड़ा सा आ तो रहा है, पूरा ही आ रहा है. पूरा ही आ रहा है, सही है, फिट आएगा, फिट आ जाएगा, बेहतरीन ओके काम होगा मेरे दोस्त. ये 80 वाला जो मीटर है, ये 80 सीरीज लैंड क्रूजर का, जो इसमें जो 1HD टी ओरिजिनल आता है, ये उसी का ही मीटर है. तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यही सेम चीज़ में मेट हो जाएगी, वो डू वंडर्स. और कोई बहुत ज़्यादा जुगाड़ भी नहीं है, तो प्रीटी ईजी फॉर एनीवन टू गो अलॉन्ग विद. कॉल को मिस कराता हूँ ताकि वीडियो कंप्लीट कर सकता हूँ. साथ ही साथ हमें एक और चीज़ हमारी थी इसी RKR पे, वो थे इसके फ्रंट व्हील हब लॉक्स. क्योंकि ये इनमें बाय डिफॉल्ट बाय मैन्युफैक्चर आता नहीं है, तो द व्हील्स आर कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल. और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन गाड़ी में अगर आपने 4x4 एंगेज नहीं किया हुआ, तो डेड वेट आप कैरी कर रहे होते हैं अपने फ्रंट व्हील्स का, तो जनरली हम इनमें हब लॉक्स लगा देते हैं. यही क्लाइंट को हमने मशवरा भी दिया था, लेकिन हम खुद एक चीज़ भूल गए थे. नाउ दिस इंजन, दिस ट्रांसमिशन और जो ड्राइव टेरेन का सेट है, ऑल ऑफ दिस इज ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन. 80 सीरीज लैंड क्रूजर जो है वो एनी टाइम ऑल व्हील ड्राइव होती है, जिसका मतलब यह है कि उसके जो ट्रांसफर केस है उसमें सिर्फ हाई और लो टॉर्क की सिलेक्शन अवेलेबल होती है.
उसमें फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव की सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि उसके चारों व्हील एनी टाइम पावर्ड होते हैं, विच मेक्स इट एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। उसी की वजह से अब चूंकि ड्राइव टेरेन भी वही है, ट्रांसमिशन भी वही है, अगर अब हम इसके ऊपर हब लॉक्स इंस्टॉल करेंगे RTR के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कन्वेंशनल लॉक्स। ये 70 सीरीज पे कन्वेंशनल हब लॉक्स लगे हैं जो कि आपको मैकेनिकली लॉक और फ्री करने पड़ते हैं। तो अगर हम यही चीज़ लगाना चाहेंगे ऑन दी RTR नाउ तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि फिर उसके लिए हमें बहुत शदीद जुगाड़ों के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब अगर हम इसके हब लॉक्स लगाने जाते हैं, भी बंद हो गया है। एक ब्रेक के पैडल में स्प्रिंग लगना है। बड़ा पीस इधर क्या था उस्तान? लेकिन जो बाहर से आने वाली हवाएं और आगे भी चेक करो ना, कलश का है, कलश का बोला इसका अपना वो कहीं कपड़ा वो भी, लेकिन पूरा तो करवाऊं अंदर रख के ना इस पे, जैसे गर्मी गर्मी खत्म हो जाएगी और ऊपर कोई मैट इस पे। और क्या यार बेल्ट हमारा ये शायद प्रोबेबली अपने आप में, इससे पहले तुमने कोई देखी RTR ऑल व्हील ड्राइव? मैंने भी नहीं देखी। मैंने 3 RTR बेल्ट करी हैं। हाजी साहब आपने ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी देखी RTR कभी? कब कहाँ? ये प्रॉब्ली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल व्हील ड्राइव RTR है। ये FJ70 लैंड क्रूजर पेटेंटली, जो कि 6 सिलेंडर 3F पेट्रोल इंजन के साथ आता था। हमने उसके अंदर 80 सीरीज जो लैंड क्रूजिंग होती है 12 वाल्व वाली 1HDT वो उसके अंदर पूरा इंस्टॉल किया है। और मार्वेलस फिट सेम जगह पे सेट इन हुआ है जहाँ इसका अपना 3F सेट इन हुआ होगा। ये लिसन टू इट, इट्स लाइक म्यूजिक। माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है, माशाल्लाह। सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है वो ये हुई है क्योंकि हमने पूरा सेटअप यानी कि फ्रंट रियर ड्राइव टेरेन फॉरवर्ड स्पीड ट्रांसमिशन ट्रांसफर गेयर्स सब कुछ हमने इंजन का ही ऑप्ट किया है। तो ये गाड़ी अब एक ऑल व्हील ड्राइव कार है, इसमें आगे हब लॉक्स नहीं है। वेयर एज जो पुराने जो एक्चुअल FJ70 होती है उसमें हब फ्री लॉक्स नहीं आते, लेकिन उस पर डेड वेट आता है क्योंकि उसके अंदर फोर व्हील और टू व्हील सिलेक्शन सेपरेट होती है। इस गाड़ी में ये हमने नहीं लगाया हब लॉक्स क्योंकि ये एनी टाइम ऑल व्हील ड्राइव ऑल व्हील पावर्ड है।
सेम है। हाँ वो तो हमें साइड कैप्स आने हैं ना, लाइक द ओरिजिनल 80 सीरीज। इसमें सिर्फ हाई और लो टॉर्क कन्वर्जन है, अदर देन दैट इट्स अ मार्वेलस व्हीकल। अभी इसकी थोड़ी सी देर में एक टेस्ट रन भी करते हैं, छोटा सा एक इशू इसका हॉर्न बंद हो गया था, हालांकि कल टेस्ट ड्राइव है। हम बहुत ज़्यादा फंस इसके साथ इसलिए गए क्योंकि ये टेक्निकली हमारा मॉडिफिकेशन जॉब थी टेक्निकल सेंस में, और मैकेनिकल रिस्टोरेशन थी। लेकिन जब हमने इसका डैश ऑफ किया, ओ बिफोर आई फॉरगेट, इट्स रनिंग ऑन द 1HD ओरिजिनल मीटर, जिसमें मीटर भी उसी 80 सीरीज लैंड क्रूजर का लगा हुआ है, जिसमें ये इंजन आता है ओरिजिनली, कॉन्सोल फिटमेंट ये सब कुछ उसी की ही हुई हुई है, एवरीथिंग इज फ्रॉम द सेम व्हीकल। फर्दर ऑन अगर सीट्स वगैरह की क्लाइंट की चॉइस है, वापस मुद्दे पे आते हैं, ये गाड़ी ओरिजिनली हमारे पास मॉडिफिकेशन जॉब के हवाले से आई हुई थी, और मॉडिफिकेशन और साथ साथ मैकेनिकल रीसेट। लेकिन जब हमने इसका डैश ऑफ किया, इसकी वायरिंग बिल्कुल तबाह हो गई थी। हिस्ट्री से समझ में ये आता है कि ये प्रॉबेबली मतलब जब ऑक्शन हुई होगी तो ये रंग और रोगन होकर बस जुगाड़ू तारे शारे जोड़ के इस गाड़ी को ऑन कर दिया था। तो टुक अस अ लॉट ऑफ व्हाइल, अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने फिर इसकी सारी वायरिंग को रीडू किया, इसकी इवन हेडलाइट असेंबली, वाइपर्स वगैरह, ये वो चीज़ें, एवरीथिंग हैड टू बी पावर्ड फ्रॉम दिस। अब वाइपर्स एक देख रहे हैं यार, इसके वाइपर्स नहीं देखे ना अभी। हाँ वाइपर बस कनेक्शन देख लो कि असेंबली से कनेक्शन थ्रू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ग्रिप ही नहीं है, ग्रिप चेक कर लेते हैं। तो ग्रिप पे दे, हाँ वाइपर उठा के, लेकिन वाइपर बिल्कुल ख़त्म है, यही कुछ बचा। ये भी हमारे वॉजेंट टेक्निकली आर पार्ट, लेकिन बस एक फिनिश के लिए। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव के ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। शायद पाकिस्तान की पहली ऑल-व्हील ड्राइव ये ऑफिशियल टेस्ट ड्राइव करके आ रहे हैं। माशाल्लाह रेट ऑलमोस्ट 22,000 मीटर। टायर्स आर रियली बैड, तो इतने ज्यादा करने पा रहे। कल टायर्स के बाकी टाइम से फिर दोबारा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह शी रन्स सुपर, वेरी नाइस। छोटा सा पुल दिखाता हूँ, हमें आज जाके अभी ब्रेक की साइड पुल को भी एडजस्ट करना होगा। टायर बहुत बुरे हैं यार, 100 पे भी टायर का गैप नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बोल रहे हैं थैंक यू, कीप वॉचिंग पैक कस्टम। आओ बॉयज मूव ऑन करते हैं, हमारे ऑल व्हील ड्राइव आरकेआर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऑन रोड हो गया है, लुक स्वीट, बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके साथ भी वही हुआ है, चीप मार्केट स्टंट हुआ है। ये गाड़ी का बॉडी पेंट हमारे पास हो के आया था, एक बाहर से क्लाइंट ने करवाया था, ये हुआ बस, बट इसके बॉडी पैनल तबाह हाल कंडीशन, दोनों फ्रंट डोर्स, रियर डोर्स, बॉनट, एवरीथिंग was rattling like a dog. तो अभी हमने इनके डोर्स उतारे, अभी तो बेसिक से स्टार्ट करें, इनकी डोर पिंस करेंगे रिपेयर सारे एंड की, सारे डोर्स की, ये रिपेयर्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे विंडस्क्रीन पैनल को चुप कराने पे, बॉनेट को चुप कराने पे, ये ताकि हम कैबिन मॉइस को कैटर करें। हमने इस गाड़ी के अंदर मीनवाइल हमने इसका ये डैशबोर्ड अपोस्ट्री रिपेयर की, ये फैब्रिक यहाँ से थोड़ा बहुत ही डैमेज था, इसको रीडू किया, हैंडल बार कवर, स्टीयरिंग कवर। अगर शामीर जाके दिखा दे, वहां से आ जाओ शामीर, स्टीयरिंग कवर भी इसका फ्रेश किया, इसकी हमने फ्लोरिंग डाली है, इसकी हीट इंसुलेशन के ऊपर काम किया, ये गियर कंसोल वगैरह इसका रिपेयर हो गया। अब हम जो काम करें वो इसके डोर्स
जो बॉडी पैनल्स हैं उसके शोर को कम करने के ऊपर काम करते हैं। ये एक बार कम हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको चला के दिखाऊंगा कि कैसे बॉडी इसकी चुप हो जाएगी। जो पेटेंट वो पुरानी गाड़ी की खड़खोड़ खड़खोड़ बिल्कुल आपको एक क्वाइट कैबिन मिलेगा। यही ऑब्जेक्टिव होता है। बड़ी एक पुरानी सेइंग है, अ मशीन इज नेवर ओल्ड, इट्स आइदर गुड और इट्स बैड। तो इट्स नॉट द मशीन एट फॉल्ट, या मशीन का एज इज नॉट एट फॉल्ट। मशीन की एज से टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल फर्क आ सकता है। नेचुरली पुराना जान रहे हैं, पुराना विंटेज है, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन्स कि वो एक बैड मशीन हो जाएगा। इट टर्न्स इनटू अ बैड मशीन, जो अभी एल जे 72 पे हो रहा है जैसा, वही कुछ इसके ऊपर हो रहा है। चार के टायर सप्लाई हुए हैं, टायर सप्लाई हुए हैं, महंगाई बहुत है, लेकिन इस रबर की एज देखें, हमने ये डिक्लाइन कर दिया है। क्लाइंट को अभी क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्लाइंट क्या फाइनलाइज करते हैं। बट और इसकी एज देखें, दिस इज 7th week of 2006, 2006 का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ये। टायर्स की आइडियल शेल्फ लाइफ या यूजबिलिटी लाइफ इज 3 years, यानी कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके तीसरे साल तक आप टायर को यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो टायर 1 किलोमीटर चलाओ, चाहे 1000 किलोमीटर चलाओ, चाहे 1 लाख किलोमीटर चलाओ, चाहे 10 लाख किलोमीटर, वो इज सेकेंडरी। बट जो पहला रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर है इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। लाइफ ऑफ किलोमीटर्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टायर प्लाई, कितने प्लाई का टायर है। पर अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज, ये पाइल्स ट्रेड आ गए, ये ट्रेड वेयर आ गए, इसमें 2 पॉलिएस्टर ट्रेड्स हैं, 2 स्टील ट्रेड्स हैं, 1 नायलॉन ट्रेड है। प्लाइज भी जो हैं इसके ब्रिस्टन्स में मैं भूल गया हूँ, बट ये वाली जो जो डिनोमिनेशन है, इसी में से ही कोई एक जो है वो इसकी प्लाई रेटिंग आ गई। ये जो अल्फाबेट है, ये इसका लोड कैटेगरी और स्पीड कैटेगरी नंबर आ गया। प्लाइज मुझे मिल नहीं रहे, प्लाई साइज तो एक गेम हो गया। उसके अलावा ये जो बेसिक डेट्स हैं, ये हर टायर पे मेंशन होती है, हर टायर पे आप इंडिविजुअली इसको इजीली देख सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अगर ज़रा सा भी लेफ्ट राइट हो जाए, ज़रा सा भी टायर पुराना होए, ये टायर हाई स्पीड्स पे कैन बी डेवास्टेटिंग।